देन द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए ऑन टू इटसेल्फ, यानी कि ए से ए पे आपने इंजेक्टिव फंक्शंस निकालने हैं, मींस यू आर टू फाइंड द वन वन फंक्शंस। ठीक है, वन वन फंक्शंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा? अगर हमारे पास एक सेट ए होता है इन विच वी आर हैविंग एन एलिमेंट्स, वन सेट इज बी इन विच वी आर हैविंग एम एलिमेंट्स, तो वन वन नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस हमारे पास क्या बनते हैं? दैट इज एन पी एन, एन पी एन, एम एन पी एम और एम पी एन, एन पी एम। तो अब यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या है फ्रॉम ए टू ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी सेम, तो नंबर ऑफ वन वन और इंजेक्टिव फंक्शंस विल बी एन पी एन। आपके पास ऑप्शंस अगर आपने देखी होंगी, एन पी एन कोई ऑप्शन नहीं था डायरेक्ट। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो व्हाट इज दिस इक्वल टू, किसके इक्वल होता है ये एन पी एन? क्या फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस एन फैक्टोरियल, दैट इज जीरो फैक्टोरियल, तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो था इस क्वेश्चन में, दैट वाज योर आंसर, गॉट इट? देन क्वेश्चन नंबर बी था हमारा, आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट ए। आर हमें एक सेट ए पे सिमेट्रिक रिलेशन गिवन है, ऑन सेट ए का मतलब अगेन रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए ऑन टू सेट ए। हमें ये बताना था, ऑप्शन सी then relation R inverse R is equal to 1, R is equal to R inverse, R R inverse is equal to 0, or R R inverse is equal to R। ये चीज हमें बतानी है, R is equal to R inverse। रिलेशन अगर आपके पास सिमेट्रिक है, यानी कि सिमेट्रिक की हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि A comma B belongs to R implies B comma A also belongs to R। अब जो यहाँ पे सेट एलिमेंट A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो यहाँ पे B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों के दोनों एलिमेंट्स आपके किस में है? सेट A में है। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए जब आप कंडीशन ले रहे हो A comma B belongs to R, और B comma A भी आपका क्या करेगा, R को बिलोंग कर रहा है, ये सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। अब जब हम R इनवर्स की बात कर रहे हैं, इनवर्स में हम क्या करते हैं, जो इमेज होती है और जो प्री इमेज होती है, दोनों की पोजीशंस हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो ए कॉमा बी से जब इनवर्स बनेगा, वो क्या बनेगा आपका, बी कॉमा ए। तो आर किसके इक्वल आएगा आपका, आर इनवर्स के, क्योंकि ए कॉमा बी का जब आप इंटरचेंज करोगे तो इट मींस वो हर एलिमेंट बी कॉमा ए बन जाएगा, तो वो आर इनवर्स और आर की वैल्यू आपकी क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि ए की सेट के एलिमेंट्स हम लेके चल रहे हैं। Now question number 3 था हमारा, let f is a function from z to z given by f of x is equal to x by 2 if x is even and 0 if x is odd। If x is odd तो 0, यानी कि हर odd number के लिए जो हमारा function होगा उसकी value क्या होगी, 0 होगी, और हर even number के लिए this will be x by 2। अब x किसको बिलोंग कर रहा है आपका, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं, तो इट मींस अगर मैं पहले पॉजिटिव वाले लेके चलती हूँ, f ऑफ 1 के लिए दिस विल बी 0, f ऑफ 1 0 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन सुन लो पहले क्या है, दोज हु आर नॉट हैविंग द पेपर, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x बाय 2 सच दैट x इज इवन एंड 0 इफ x इज ऑड। Then f is, options है हमारे पास on to but not one one, it means जो मुझे check करना है वो क्या check करना है, function को one one है, on to है, ये दो चीजें check करनी है। Second option थी one one but not on to, third option is one one and on to, and the fourth option is neither one one nor on। ये हमारे पास options थी। I can still see cameras off। मैं बीच में lecture रोक के बार बार ना मुझे कहना पड़े।
अब इट मींस मुझे क्या क्या चेक करना है, वन वन एंड ऑन टू की कंडीशंस चेक करने हैं। वन वन के लिए क्या कंडीशन होती है, वन वन की क्या कंडीशन होती है बोलो। एक एलिमेंट एक के साथ ही लिंक्ड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे f ऑफ वन इज जीरो, यानी कि वन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड होगा, जीरो के साथ। और ऑड नंबर्स अगर मैं बाकी लेती हूँ तो अगेन f ऑफ थ्री इज जीरो, f ऑफ फाइव इज जीरो। यहाँ पे ये चीज क्या बन रही है कि f ऑफ x वन अगर मैं लेके चलती हूँ कि f ऑफ x वन f ऑफ x टू के इक्वल है, तो x वन भी x टू के इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, ये दोनों जीरोस हैं, x1 और x2 आपके इक्वल नहीं है। वन इज नॉट इक्वल टू थ्री, इट मींस वन भी जीरो के साथ एसोसिएटेड है, थ्री भी जीरो के साथ जो है लिंक्ड है, तो टू एलिमेंट्स आर लिंक्ड टू वन। तो टू वन के साथ लिंक्ड है मींस दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। अब ऑन टू चेक करना है, ऑन टू के लिए क्या होता है सेट, ये फंक्शन आपका कहां से कहां तक है, दिस इज फ्रॉम जेड टू जेड, Z to Z belong कर रहे हैं, यानी कि जो codomain है that is all integral numbers। अब all integers के लिए हम इसको check करेंगे। Odd के लिए तो ये हमेशा zero ले रहेगा, अब हमें even numbers के लिए इसको check करना है। For the even numbers जब हम लेके चलेंगे, positive लेके चलो पहले, two के लिए क्या होगी value, one, four के लिए, six के लिए, यानी कि ये सीक्वेंस में काउंटिंग चल रही है, वन टू थ्री अप टू इनफिनिटी जाएगी ये। अब नेगेटिव साइड पे अगर हम लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं, फॉर एफ ऑफ माइनस टू दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन, फॉर एफ ऑफ माइनस फोर दिस विल बी इक्वल टू माइनस टू, एफ ऑफ माइनस सिक्स दिस विल बी इक्वल टू माइनस थ्री। यानी कि अगेन जब हम इवन नंबर्स के लिए लेके चलेंगे, नेगेटिव इवन नंबर्स के लिए, तो हमारी जो आएंगी वैल्यूज वो क्या होंगी, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। पॉजिटिव में भी अप टू इन्फिनिटी वन से, यहाँ पे भी नेगेटिव में भी माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, जीरो भी आ रहा है, इट मींस इट इज कवरिंग ऑल द इंटेग्रल वैल्यूज। अब सभी इंटेग्रल वैल्यूज इसकी कवर हो रही है, कोडोमेन भी इंटीजर्स थे सभी, और आपका जो रेंज आ रहा है दैट इज अगेन इक्वल टू कोडोमेन। तो वेन एवर द कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या होता है, ऑन टू होता है। तो इट मींस इस क्वेश्चन की आपकी ऑप्शन जो है ए आंसर बननी थी, फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट वन वन। क्लियर है, समझ आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस 600 डिग्रीज। अब यहाँ पे आपका डिग्रीज में गिवन था, जबकि वैल्यू हमारे पास रेडियंस में होनी चाहिए, तो इट मींस कि यहाँ पे रेडियंस जो है आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताओ कैसे करते हैं, दिस इज साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस 600 डिग्रीज, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करना है तो क्या करते हो, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हो, प्लस वन में किया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है, हो गया रिकॉल। अब क्या आएगा ये सिंप्लीफाई करके, 5 क्या आया, 10 पाई बाय 3 विद नेगेटिव साइन, साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस 10 पाई बाय 3। अब साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स माइनस साइन 10 पाई बाय 3। साइन 10 पाई बाय 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, हाँ जी क्या लिखें इसको, फोर पाई माइनस टू पाई बाय 3 लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करो इसको, 4 3 सा 12 माइनस 2 10 पाई बाय 3 आ रहा है, ठीक है, आ गया ये समझ। अब साइन ऑफ 4 पाई माइनस 2 पाई बाय 3 व्हाट इज दिस इक्वल टू, साइन 4 पाई माइनस
टू पाई बाय थ्री किसके इक्वल है, माइनस टू पाई बाय थ्री या प्लस टू पाई बाय थ्री? माइनस के प्लस, सोच के बोलो। हाँ जी, अंदर पॉजिटिव आ रहा है, कैसे अंदर कैसे पॉजिटिव आ रहा है? साइन फोर फोर पाई है, फोर पाई मीन्स हाँ जी ये आपका टू पाई बनता है, ये फोर पाई बनता है, फोर पाई में से कितना माइनस कर रहे हो? टू पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री मीन्स टू पाई बाय थ्री मीन्स हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो आंसर, टू पाई बाय टू पाई बाय थ्री इज वन वन ट्वेंटी। तो कौन सा क्वाड्रेंट पे आए आप माइनस किया तो? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, माइनस किया आपने फोर पाई में से टू पाई बाय थ्री, आप बैक आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में योर साइन इज नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये सिंप्लीफाई करके भी नेगेटिव आया, सॉल्व करके क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा ये? साइन ऑफ टू पाई बाय थ्री। अब टू पाई बाय थ्री आंसर आ जाएगा, टू पाई बाय थ्री आ जाएगा आंसर, क्या आएगा? ऑप्शंस थी पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री, पाई बाय टू एंड माइनस टू पाई बाय थ्री। साइन ऑफ टू पाई बाय थ्री पाई माइनस पाई बाय थ्री, यस इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू पाई माइनस पाई बाय थ्री, क्योंकि साइन की वैल्यूज जो है आप कहां से कहां लेके चलते हो, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, ठीक है? ये उस वाले में लाई नहीं कर रहा उस इंटरवल में, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपकी जो ऑप्शन टू पाई बाय थ्री गिवन है वो कंफ्यूजन के लिए थी। अगर आपका यहाँ भी सम सॉल्व था, आपने अगला कंसेप्ट यूज नहीं किया कि जो साइन थीटा है दैट लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, तो टू पाई बाय थ्री आपका आंसर रॉन्ग था। बेशक इतना आपने सही किया, तो माइनर माइनर कंसेप्ट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया आपका साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय थ्री। अब ये क्या बन गया पाई माइनस पाई बाय थ्री? हाँ जी साइन ऑफ साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री, दिस इज साइन पाई बाय थ्री, तो साइन पाई बाय थ्री और बाहर साइन इनवर्स है, तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय थ्री। तो ऑप्शन ए आपका इसका आंसर बनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में वी आर गिवन, सिंपल था ये, और कुछ बच्चों ने तो अपना पहले करेक्ट मार्क करके फिर आई डोंट नो पूछा है या क्या किया क्या नहीं किया, अपना कट करके रॉन्ग ऑप्शन आप लोग मार्क करके गए होंगे एंड नो वन हैज स्कोर्ड द फुल मार्क्स। हाँ जी कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू इज, ये तो सिंपल है, ये तो आप बता सकते हो कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू, कॉस में वैल्यू रूट थ्री बाय टू कहां पे होती है? पाई बाय सिक्स पे। तो ये पाई बाय सिक्स आ गया, कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू पाई बाय सिक्स पे आ गया। अब ये कैंसल आउट होके क्या आ गया आपका? पाई बाय थ्री। अब टेन इनवर्स ट्वाइस ऑफ साइन पाई बाय थ्री, साइन पाई बाय थ्री क्या होता है? रूट थ्री बाय टू, तो टू इंटू रूट थ्री बाय टू, ये कैंसल आउट हो गया, क्या रह गया? टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन की वैल्यू थ्री रूट कहां पे होती है? पाई बाय थ्री पे। तो पाई बाय थ्री यानी कि 60 डिग्री आपका आंसर आ जाना था, ठीक है? सिक्स टेन 60 डिग्री जो है दैट इज रूट थ्री, तो आंसर आपका आना था 60 डिग्रीज। यहाँ हमने सारा सॉल्व आउट किया रेडियंस में, आंसर आपका डिग्रीज में गिवन था, तो अगेन वो कन्वर्जन्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट डायरेक्टली था क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ
secant inverse C, that was 0 to pi minus pi by 2. तो ये आपका डायरेक्ट ही था, इसमें आपने कुछ सॉल्व नहीं करना था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मोस्टली बच्चों का ठीक था, ये बुक का ही था आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का. दिस इज ए माइनस आई होल क्यूब प्लस ए प्लस आई होल क्यूब माइनस 7 ए. क्या था आंसर इसका? दैट वाज इक्वल टू ए माइनस, चलो कोई बात नहीं, किया तो हुआ है उस तरह का. क्या लगना था यहाँ पे? a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देना था, यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देना था. सिंप्लीफाई करके ओवरऑल जो आपका आंसर आना था दैट वाज इक्वल टू a. करवाऊं के कर लोगे? करवाऊं? क्या आएगा a माइनस आई होल क्यूब? a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू i, ये हमें गिवन था. क्या आएगा? a माइनस आई होल क्यूब क्या फॉर्मूला बनेगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी. अगले वाले के लिए बोलते जाओ. चलो नेक्स्ट स्टेप क्या था? माइनस आई क्यूब प्लस आई क्यूब कैंसल आउट हो गया, क्या रह गया? ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर आई प्लस 3 ए आई स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर आई प्लस 3 ए आई स्क्वायर माइनस 7 ए. अब कोई और कैंसलेशन हो रही है? और ये क्या बन गया? ए क्यूब प्लस ए क्यूब 2aq. अगला ठीक है, अब a क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूं? i स्क्वायर इज अगेन i, a स्क्वायर किसके इक्वल है? i के इक्वल गिवन है. क्या रह गया? 2a प्लस 6a माइनस 7a, 8a माइनस 7a दैट इज इक्वल टू a. ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, देन बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए और बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई. ए बी आपको ए के इक्वल गिवन है और बी ए आपको बी के इक्वल गिवन है. ऑप्शंस हैं बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए और बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्या आएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो आंसर. सिर्फ मेरे को आई कैन सी टू वीडियोज ऑन, रेस्ट ऑल ऑफ यू अगेन हैव टर्न्ड ऑफ योर वीडियोस. चलिए आंसर दीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स. आई होप द क्वेश्चन इज विजिबल. नो, जस्ट अ मोमेंट बच्चे, अगर बोर्ड पूरा विजिबल नहीं है तो बता तो दिया करो एटलीस्ट. ये पार्ट है बेटे आपका, दिस इज योर क्वेश्चन. Excuse me, ma'am. हाँ जी. मैम इसके तीनों ऑप्शंस नहीं आएंगे? Just a moment बच्चे, just a moment. हाँ जी बोलो बेटे. मैम इसके A B C तीनों ऑप्शंस बनती हैं आंसर तो. किसकी? इस क्वेश्चन की. B is equal to I, A is equal to I, A square equal to A and B square equal to I. B equal to I है अगर, then A I is equal to A है. ठीक है? Then B A is equal to B है अगर, then मैम इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों में, पहले ऊपर वाले में A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एक सेकेंड आप कह रहे हो कि यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ये वाली ले रहे हैं A equal to I वाली, इसके अंदर ले रहे हैं, ठीक है? तो आप
यहाँ पे जब ए को आई पुट करोगे, बी आई इक्वल टू बी, यहाँ आपने कहा जब हम बी इक्वल टू आई ले रहे हैं तब हमारी ये वाली ऑप्शन जो है ए आई इक्वल टू ए ये सेटिस्फाई हो रही है. आर दी सेटिस्फाइंग साइमल्टेनियसली? नो मैम. देन यू कैन नॉट टेक दीज ऑप्शंस. ठीक है मैम, फिर सी ऑप्शन. यस, सी ऑप्शन जो थी आपकी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दैट वॉज योर आंसर. ठीक है, यहाँ अगर हम बी इक्वल टू आई लेते हैं तो दोनों ऑप्शन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है. यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं अगेन बोथ ऑफ द ऑप्शन आर नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड. तो ऑप्शन जो सी था आपका दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये आपका आंसर था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ये भी मेरे हिसाब से इजी था, अगर आप कहोगे देन ओनली आई विल डिस्कस, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/40 इंटू 5 - 5 10, 10 - 2 - 4 एंड -5 13 एंड 6 and this is getting multiplied with 505. चलिए क्या आएगा आप बताओगे अब, ये तो आप कर सकते हो, इसीलिए पहले इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा. हमें इसमें निकालना था वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z. क्या करें जल्दी बोलो. हाँ बोलो, क्या लिखूं, सीधा प्रोडक्ट बता दो. 5 × 5 10 × 0 - 5 × 5 = 0. अगला -25 + 0 + 65 कितना आया 40. नेक्स्ट 50, 0 and 30 80. 1/40 0 × 0 = 0. This is 1, this is 2. ये आपका x आ गया, ये y आ गया, ये z आ गया. तो आंसर आपका A option 3 आ जाना था. तीनों का सम देना था. अगेन कई बच्चों ने क्या किया होगा, 0, 1, 2 से आगे मुझे नहीं लगता कि किया होगा, पता नहीं कैसे आप मार्क करके गए हो. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 था आपका. A हमें गिवन था मैट्रिक्स, दिस इज अ डायगनल मैट्रिक्स विद डायगनल एलिमेंट एज A. We were to find out the value of determinant of A into determinant of adjoint of A. Direct formula इसका मैंने आपको करवाया हुआ है. Determinant of adjoint A क्या होता है? That is determinant. अगर हमारे पास एक n order का matrix होता है, ठीक है? A एक matrix है of order n. तो determinant of adjoint of A जो है, that is equal to determinant of A raised to power n minus one. अब matrix A ऑर्डर क्या है 3, तो डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर आ गया, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब. ठीक है, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा डायरेक्ट आप बता सकते हो, अगर डायगनल एलिमेंट मैट्रिक्स होती है तो डायगनल एलिमेंट्स क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो. तो ए क्यूब आ गया, ए क्यूब का अगेन क्यूब लोगे तो ए रेज टू पावर 9 जो था दैट वाज योर आंसर. ठीक है, तो ये वाले जो डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगते हैं यहां से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अगेन इजी था. इफ द मैट्रिक्स ए बी इज 0 देन ए इज इक्वल टू 0 और 0 इट मींस नल मैट्रिक्स है ये, देन ए इज नल मैट्रिक्स और बी इज नल मैट्रिक्स, ए इज नल मैट्रिक्स एंड बी इज नल मैट्रिक्स, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स. सिंपल था ये. ए बी का प्रोडक्ट जो है वो 0 कब होगा, जब दोनों में से एक 0 या दोनों 0. तो ए एंड बी बोथ वर द ट्रू ऑप्शंस. नेक्स्ट, ये भी इजी था. डेरिवेटिव आपको निकालना था कॉस इनवर्स 2x² - 1 का विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स. एक को यू ले लेना था, एक को वी ले लेना था, क्या आना था. अभिषेक जी बताएंगे आप क्यों डेरिवेटिव
क्षितिज यू मैंने मान लिया cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, जब इनवर्स वाले होते हैं तो हम क्या करते हैं उसको कुछ पुट करके देखते हैं ताकि वो इजी हो जाए। यहाँ पे दिस इज ऑफ द फॉर्म 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो x को मैं क्या पुट कर दूं cos थीटा, तो थीटा इज cos इनवर्स x। अब बताइए डी यू, अभी u ही रहेगा, u इज इक्वल टू क्या बन जाएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मुझे जो है इसको कन्वर्ट करना है इस हिसाब से कि अंदर मेरी cos वाली टर्म बन जाए ताकि cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट होके मुझे एक सिंपल टर्म मिल जाए। तो मैंने x स्क्वायर को, क्योंकि मुझे ये जो है देख के लग रहा था फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाली फॉर्म है विच इज अगेन इक्वल टू cos 2 थीटा, तो मैंने इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी cos इनवर्स और ये कैंसिल आउट होके आई एम हैविंग दिस u एज 2 cos इनवर्स x। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम dv बाय dx क्या आ जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ दिस निकालना था, यानी कि du बाय dv दैट इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद द आंसर एज 2। सो ये आपका 2 जो था दैट वाज योर आंसर। हां जी इज इट डन, चलें अगले पे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। So as the bell has gone, rest of the questions we will discuss tomorrow. If anyone is having any doubt from today's lecture, you can unmute yourself and you can ask your doubt.